दोस्तों, क्या आपकी आंखों के नीचे से किसी ने काजल चुराई है? नहीं समझे ना दोस्तों। आंखों के नीचे से काजल चुराने का मतलब होता है आपके सामने से कोई सामान चुरा के ले जाना। जी हाँ, आजकल का जमाना ही शॉर्टकट का रह गया है। यहाँ लोग कम मेहनत कर ज्यादा पैसे कमाने के सोचते हैं और ऐसे में चोरी सबसे आसान साधन बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे पुलिस वाले अपने आप को चोरों के खिलाफ लड़ने के लिए अपडेट करते रहते हैं, वैसे ही चोर भी हर दिन हर पल चोरी के नए तरीके ढूंढते हैं। तभी तो पुलिस और चोर के बीच का खेल दुनिया का सबसे रोमांचक खेल कहलाता है। तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे चोरों को जो हैं बेहद शातिर। आप देखकर चौंक जाएंगे कि किस तरह से इन चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर वन, ये है दिल्ली का चांदनी चौक। लेकिन आजकल ये रोड आम लोगों के लिए एक अंधेरी रात की तरह है, क्योंकि यहाँ से अगर आप गुजरें तो यकीन मानिए आप तो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका कुछ ना कुछ चोरी जरूर होगा। इस रोड के चोर बड़े शातिर हैं। इन्हें देखिए कैसे ये कर रहे हैं चोरी। आप तो बाइक चला रहे हैं, लेकिन ये उसी समय चलती बाइक से आपका सामान निकाल लेते हैं। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी चोरी है जहाँ चोर चोरी करने के बाद आराम से जाता है और जिसका सामान चोरी हुआ होता है वो जल्दी में अपनी बाइक से निकल जाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। इनसे बचने के लिए आप या तो ऐसा बैग खरीद लें जिसका चेन आपके पीठ की तरफ हो, या फिर बैग को अपनी छाती पर टांग लें। दोस्तों, जब चोर आपके सामने से सामान चुरा लेते हैं तो फिर ऐसे में अगर मौसम भी उनका साथ दे दे तो कौन भला रोक सकता है उन्हें। जी हाँ दोस्तों, गर्मी से ज्यादा आपने सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातें सुनी होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दी के मौसम में आप तो कंबल लपेट के सो जाते हो, लेकिन चोर चोरी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि देखिए फॉग लगा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे में पांच चोर आए, हमला किया एक दुकान पे। अपने शॉल से शटर को तोड़ दिया और एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा अलमारी ही लेकर वहां से चले गए। नंबर तीन, दोस्तों गाड़ी के अंदर से चोरी की वारदात तो आए दिन होती रहती है। हमेशा आप सुनते ही होंगे कि आज किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ चोर ने सामान चुरा ली। लेकिन ये चोरों के द्वारा चोरी का नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब यह है कि चोरी का नया तरीका निकाला गया है। इसमें होता ऐसा है कि एक आदमी पहले तो आपकी गाड़ी की तरफ आएगा, फिर वो आपको बोलेगा कि आपकी गाड़ी पंचर है या आपके कुछ पैसे नीचे गिरे हैं, कुछ भी, और वो वहां से चला जाएगा। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करेंगे और बाहर निकलेंगे, पीछे वाले गेट से कोई सामान निकाल के ले जाएगा। अब खुद ही देख लीजिए कैसे ये दूसरा चोर पीछे के गेट से सामान निकाल रहा है, और उसके बाद वो हो जाता है 9:11, आपको पता भी नहीं चला और चोर सामान भी निकाल के ले गया। नंबर चार, दोस्तों ये है दुपट्टा गैंग। यहाँ एक साथ चार पांच महिलाएं आती हैं, दुकानदार को बातों में फंसाती हैं और इतने में गल्ला साफ कर जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, दुपट्टा तेरा लाखों का। ये गाना लगता है ऐसे किसी गैंग के लिए बना है। ये देखिए कैसे ये महिलाएं दुकानदार को अपनी बातों में फंसा रही हैं, उसके बाद उनको चूना लगा रही हैं। अब जरा यहाँ देख लीजिए, ये भी दुपट्टा गैंग ही है। पहले पांच महिलाएं दुकान के अंदर आती हैं, दुकानदार को बातों में फंसाती हैं और फिर इतने में गल्ला साफ करने लगती हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कैसे बाकी महिलाएं दुपट्टा फैलाकर अपने साथी को चोरी करते हुए बचा रही हैं। ये घटना तो उससे भी बड़ी है, यहाँ महिलाएं दुकान के अंदर पानी पीने का नाटक कर रही हैं। बाकियों ने अपने दुपट्टे को खोल दिया है, लेकिन ये क्या,
यहाँ चोर 4 साल की बच्ची है। जी हाँ दोस्तों, इस बार चोरी ये छोटी सी बच्ची कर रही है। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मिली है इसे। नंबर 5, ये कहानी भी दुपट्टा चोरों की है लेकिन तरीका अलग है। यहाँ 5 से 6 महिला चोर एक साथ दुकान के आगे आकर बैठ जाती हैं। उसके बाद दुकान की रेकी की जाती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर शुरू होता है इनका एक्शन प्लान। 4 महिलाएं दुपट्टा फैलाकर खड़ी हो जाती हैं, 2 दुकान का शटर खोलती हैं। और इनमें से जो सबसे पतली होती है वो दुकान के अंदर जाकर सामान और पैसा दोनों साफ कर देती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रातों रात में ही दुकान साफ कर रही हैं, ये तो दिन दहाड़े भी डाका डाल दें। नंबर 6, दोस्तों बाइक की चोरी तो बड़े शहरों में बहुत कॉमन है। आए दिन बाइक की चोरी होती रहती है। जरा इस सीसीटीवी फुटेज में ही आप देख लीजिए कैसे चोर बाइक की चोरी कर रहे हैं, कैसे दुनिया को चूना लगा रहे हैं। दोस्तों जब भी कोई यंग जनरेशन बाइक खरीद कर लाता है तो उसके चेहरे पे एक अलग खुशी होती है। कई लोग तो बाइक का इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं, लेकिन ये शातिर चोर किसी की परवाह नहीं करते, ये तो मिनटों में ही चूना लगा देते हैं। ये देखिए कैसे बाइक के हैंडल लॉक को तोड़ते हैं, ये एक झटके में काम तमाम। ये देखिए कैसे बाइक को बिना चाबी लगाए स्टार्ट कर रहे हैं और भाग गए वहां से। ये काम सिर्फ रात में ही नहीं दिन में भी होता है। ये देखिए कैसे बात करने के बहाने बाइक को स्टार्ट करके हो गए रफू चक्कर। यहाँ एक आदमी कुछ खरीदने के लिए शॉप पर आया है, लेकिन इधर इसने अपनी बाइक लगाई और उधर इसकी बाइक हो गई चोरी। ये देखने के बाद अब सवाल उठता है कि इन चोरों से आखिर कैसे बचा जाए, कैसे हम अपनी बाइक और स्कूटी को बचा सकते हैं इन चोरों से। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप अपडेटेड सिक्योरिटी सिस्टम अपनी बाइक में लगा लें। यहाँ भी ये चोर बाइक चोरी करने ही आए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बाइक ओनर ने जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था। आप भी प्लीज लगा लें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। नंबर 7, दोस्तों हमें अपने घर पे बड़ा बड़ा ताला लगाना पड़ता है कि कोई इसे तोड़ ना पाए, है ना। लेकिन अब देखिए ये चोरों की तकनीक है, देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है घर का ताला। इस महिला को पुलिस ने चोरी करते हुए पकड़ा है और अब ये बता रही है कि कैसे ये घरों का ताला तोड़कर पैसे निकाल ले जाती थी। दुनिया बहुत शातिर हो गई है, कैसे और कब हम अपने कीमती सामान को चोरों से बचा पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि घर में पड़े कीमती सामान को आप अपने बैंक के लॉकर में ही रखें। नंबर 8, अब यहां देख लीजिए 2 कम उम्र के बच्चे लेकिन चोरी करने में उस्ताद हैं। ये पहले तो किसी उम्र दराज दुकानदार को अपना निशाना बनाते हैं, फिर दुकानदार से कोई सामान खरीद कर उसको बड़ा नोट थमा देते हैं। जैसे ही दुकानदार अपना गल्ला खोलता है ये वहां से पैसा साफ करने के फिराक में होते हैं। ये देखिए कैसे इन्होंने दुकानदार को पैसे देने के बाद कुछ और दिखाने के लिए कहा है। दुकानदार इन्हें सामान दिखाते हैं और ये इतने में उनके गल्ले को साफ कर जाते हैं। दोस्तों इसे देखने के बाद तो यही कहा जाएगा कि अगर आप दुकान चलाते हैं तो प्लीज कस्टमर के सामने एक तो अपने गल्ले को न खोलें, अगर खोल रहे हैं तो फिर याद करके उसे बंद कर लें, नहीं तो कोई 50 रुपए का सामान खरीदेगा और 5,000 लेकर चला जाएगा। नंबर 9, ये एक मोबाइल शॉप का वीडियो है जहां ये 4 लड़के मोबाइल खरीदने का नाटक करते हैं। दुकानदार को बातों में फंसाते हैं और इधर पीछे से एक लड़का आकर मोबाइल चुरा ले जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है भाई। बाद में ये कुछ नहीं खरीदते और फ्री में 2 मोबाइल लेकर चले जाते हैं। नंबर 10, दोस्तों ये देखिए एटीएम की चोरी। चोरों ने एटीएम मशीन के पास ही गाड़ी लगा दी है। उन्हें पता है कि वो एटीएम मशीन को तो नहीं तोड़ सकते, ऐसे में उन्होंने एटीएम को चारों तरफ से एक बड़े और मजबूत लोहे के सिक्कर से बांध दिया है। उसके बाद गाड़ी से ये एटीएम को खींचते हैं, एटीएम बेस से अलग, मशीन लेकर चोर फरार। यह तरीका चोरों का, क्या कहेंगे आप।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उस पेज को लाइक भी कर दीजिएगा।